तो ये देवता लोग का वापसी हो रहा है दोस्तों, शाम हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। और आज हम अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कांकेर का मेला, आदिवासी मेला, बहुत ही जबरदस्त होता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी आ गए हम लोग दोस्तों कांकेर राजा के घर। यहाँ से राजा को मंदिर ले जाया जाता है और मंदिर में सभी देवी देवताओं की जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो ये मंदिर पे हैं सारे लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे देवी देवताओं को लेके मेला स्थल के लिए। तो दोस्तों सभी देवी देवताओं को लेके जो है सभी लोग आ गए हैं, राजा भी हैं साथ में, और अभी कांकेर की सड़कों पे हैं और जुलूस की शक्ल में है। सभी लोग जो है पैदल मेला स्थल के लिए जा रहे हैं और ये चार कंधों पे जो उठा के लेके जा रहे हैं दोस्तों, ये अंगा बाबा है, अंगा देव कह लीजिए, तो आदिवासियों की ये सभी देवता हैं। और ये बांस में कुछ फ्लैग बांध के भी लेके जा रहे हैं, ये भी आदिवासी देवताएँ हैं, देवता लोग हैं जो जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरा मेला जो है 1 किलोमीटर के एरिया में चलता है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा मेला है रोड के दोनों साइड। और ये रोड हाईवे है, जगदलपुर हाईवे, अभी ब्लॉक कर दिया गया है और मेन मेला स्थल पे अभी जा रहे हैं हम लोग। तो मेले की जगह में बाइक घुसा देते हैं लोग। बहुत ज्यादा भीड़ है उधर तो आगे। तो दोस्तों अब हम एक जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे देखिए लकड़ी का खंभा है, यहीं पे जो है सारे देवी देवताओं को लाके पूजा अर्चना की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए सारे क्राउड यहीं आ रहे हैं, सारे देवी देवताओं को लेके यहीं पे आया जा रहा है और यहाँ पे फिर से एक बार पूजा अर्चना की जाएगी। दोस्तों ये अंगा देव की पूजा अर्चना की जो परंपरा है ये सदियों से जो है बस्तरवासी कर रहे हैं और बस्तर के हर एक गांव में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों अंगा देव को सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है, ज़्यादातर सागौन की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। और इनको बनाने के बाद जो है हल्दी का लेपन लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि जब अंगा देव बना रहे होते हैं
उस समय औजार का उपयोग किया जाता है और औजार के उपयोग से जो है अंगद देव को चोट लगी होती है, तो उस चोट से उबरने के लिए उन पे हल्दी का लेप लगाया जाता है। दोस्तों, जब लकड़ी से अंगद देव को बना दिए जाते हैं, उसके बाद उनको सजाने के लिए अधिकतर जो है मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है, या मिट्टी से भी सजाते हैं, या कई लोग उनमें जो है चांदी की परत लगाते हैं। आप बस्तर का इष्ट देव भी कह सकते हैं अंगद देव को, या प्रमुख देवता भी कह सकते हैं बस्तर आदिवासियों का। दोस्तों, अभी जो है सभी देवताओं को यहाँ एक जगह रखा गया है और यहीं पे जो है पूजा अर्चना की जा रही है। अंदर में क्या चल रहा है, क्या पूजा विधि, वो तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है सारे के सारे सभी देवताओं को लेके आया गया है और सभी देवताओं का जो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और सभी लोग एक एक करके पूजा कर रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे। तो सभी देवताओं को लेके जो है लोग पूरा एक राउंड जो है मेला स्थल का लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसके बाद जो है रात तक ये पूरे कांकेर में घूमते हैं और सारे जगहों पे जो है देवताओं को लेके जाते हैं, सभी मोहल्ले में जाते हैं और ये रात तक ऐसे ही घूमते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे के पूरे जो है मेला का एक चक्कर लगा रहे हैं घूम के, और ये बहुत ही खूबसूरत गड़िया पहाड़ के नीचे में है मेला स्थल जो है। Thank you.
फिर ये है कार्यालय पुलिस अधीक्षक। पैदल पैदल चल रहा हूँ दोस्तों, मेला स्थल से आ रहे हैं पैदल, तो बहुत दूर पे है मेला। तो ये देवता लोग का वापसी हो रहा है दोस्तों, शाम हो गई है। देखिए दोस्तों, रात हो गई है और रात को भी देवताओं को जो है नगर भ्रमण कराया जा रहा है और आम लोग जो है देवताओं की पूजा कर रहे हैं।